हेलो एवरीवन इन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड द सेक्शन बी ऑफ सेवंथ क्लास सिक्स इंग्लिश कोर्स बुक इट्स टाइटल्ड जेक्स एंड द लेडी जेक्स और लेडी की ये कहानी है व्हाट डू यू नो अबाउट हॉर्सेस हॉर्सेज की शुरुआत होती है क्वेश्चन से कि आप घोड़ों के बारे में क्या जानते हैं एंड वाट आर हॉर्सेज यूज फॉर नाउ और आजकल घोड़ों का इस्तेमाल किस काम में लिया जाता है What jobs did horses do in the past? Or it asks to compare it. So it is clear that today, when motorized or when, when motor driven vehicles have come into existence, horses have somewhat lost their importance. But there was a time when horses were meant to be the pride, like they were used to be the main or the fast means of transportation. When it comes to travel from one place to another, carriages, carts, buggies, these all were driven by horses. Now read this autobiography of a horse named Black Beauty. So यहाँ पे एक हमें difficult word भी मिल रहा है autobiography ये autobiography होता क्या है autobiography होता है जब कोई अपने बारे में ही बता रहा हो then then account is called Autobiography, an account of someone written by or told by himself. Black Beauty tells us how he was treated with kindness and love when he was young and how different owners treated him when he grew up. अभी Black Beauty बता रहा है अपनी कहानी के बारे में कि किस तरीके से उसके treat किया जाता, उसके साथ व्यवहार किया जाता, काफी kindness और love के साथ उसे treat किया जाता जब वो young था। और फिर जब वो बड़ा होता गया तो उसके साथ बिहेवियर में चेंज आते गए समवेयर काइंड कुछ दयालु थे और केयरिंग थे लेकिन जो बाकी थे वो केयरलेस और अनकाइंड थे विच लेड टू हिज इलनेस एंड इंजरी जिसके कारण वो अक्सर बीमार रहने लगा और घायल रहने लगा सो ही सेज माय मास्टर जेरी वाज अ गुड मैन बट सरकमस्टैंसेज फोर्स हिम टू सेल मी परिस्थितियाँ सरकम्स्टेंसेज मीन्स परिस्थितियाँ तो वो कहता है कि मेरा मास्टर जेरी जो था वो एक अच्छा इंसान था लेकिन परिस्थितिवश उसे मुझे बेचना पड़ा कॉर्न work। उसने मुझे बेचा एक corn के पास मकई और मकई की खरीद बिक्री करने वाले एक पर्सन के पास जिसके पास मुझे खाने को काफी कुछ अच्छा मिलता और फेयरवर्क ठीक ठाक काम भी मिल जाता माई न्यू मास्टर काफी उदार था काफी काइंड था लेकिन जो वर्कर्स थे उसके वो नहीं थे स्पेशली हिस्स फोर मैन माई कार्टर जेक्स वेंसिबल बट द फोर मैन ओवर रूल्ड हिम एंड सो आई ऑफन हैड टू पुल अवियर लोड आई शुड अभी परेशानी ये थी कि मेरा जो चढ़वा मेरा जो हाँकने वाला था मेरा जो कार्टर था जो मेरे बैल जो मेरे घोड़े गाड़ी को खींचता था वो तो अच्छा इंसान था जेक्स सेंसिबल था लेकिन जो फोरमैन था वो हमेशा उसे डांटा करता ओवर उसे ऑर्डर्स दिया करता जिस कारण से अक्सर ही मुझे ज्यादा वजन खींचना पड़ता जिसका कि मैं आदि नहीं था जिसका कि मुझे हैबिट नहीं था वन डे आई वॉज लोडेड मोर देन यूजअल एक दिन मुझे जितना वजन मुझे उठाना चाहिए था मैं उससे ज़्यादा वज़न उठा रहा था द रोड वॉज अ स्टीप अपिल और चढ़ाई सीधी खड़ी थी पहाड़ी के ऊपर आई पुल्ड अप विथ ऑल माई स्ट्रेंथ बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो ऑन मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश की लेकिन ऊपर चढ़ पाना मेरे लिए असंभव था वट वॉज वर्स और सबसे बुरी बात क्या थी जेक्स ऑलवेज पुट द चेक रेन ऑन विच प्रिवेंटेड मी फ्रॉम पुलिंग ईजिली अभी दूसरी बात क्या थी कि जेक हमेशा ही मुझ में आ, मेरे पर चक्र लगा दिया करता एंड आई गॉट टायर्ड सून एंड हैड टू स्टॉप सेवरल टाइम्स मैं बार बार थक जा रहा था आई गॉट टायर्ड थक जाना मैं बार बार थक जा रहा था और कई बार रुक भी रहा था इस पर जेक्स गुस्सा था और विप मी विप मीन्स चाबुक की मार वो मुझे चाबुक से मारा भी करता ओह हाउ इट हर्ट कितना दर्द होता था It hurt more because I knew I was doing my best. And Takrif isliye orbi jada hoti, yuki muja patathaki apna best karrahang. Tisri he was flogging me cruelly when a friendly looking lady stepped quickly up to him and said in a sweet, earnest voice, Oh, please do not whip your good horse anymore. I am sure he is doing all he can and the road is very steep. I'm sure he is doing his best. तो वो कह रहा है कि तीसरी बार भी जब वो चाबुक से मुझे मारने के लिए उसने अपने चाबुक को फ्लंग हवा में लहराया तभी एक स्वीट सी लेडी की आवाज आती है कि ओह oh, प्लीज इस घोड़े को चाबुक से मत मारो क्योंकि ये शायद जितना खींच सकता है उससे ज्यादा ही मेहनत कर रहा है ही इज डूइंग द बेस्ट ही कैन और फिर ये चढ़ाई भी तो काफी स्टीप है काफी खड़ी चढ़ाई है तो इसे मत मारो देन ही मस्ट डू मोर देन इज बेस्ट दैट्स ऑल आई नो मैम सेड जैक्स तो फिर जेक्स कहता है कि नहीं फिर तो मैं इतना ही जानता हूं मैम कि इसे जो ये अपना बेस्ट कर रहा है इससे इसे उससे भी बेहतर करना पड़ेगा मतलब कि इसे और मेहनत करना पड़ेगा बट इज इट नॉट अ हैवी लोड शी सेड लेकिन वो महिला पूछती है वो लड़की पूछती है कि क्या इसके शरीर पे लोड कुछ ज़्यादा ही हैवी नहीं है यस टू हैवी ही सेड बट दैट्स नॉट माई फॉल्ट द फोर मैन केम जस्ट एज वी वर स्टार्टिंग एंड डबल द वेट टू सेव हिम ट्रेवल आई मस्ट गेट ऑन इट विथ इट एज वेल एज आई कैन तो वो कहता है कि हाँ मैम मैं मानता हूँ कि ये वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है जो फोरमैन था उसने इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड डाल दिया हमने जितना वेट डाला था उसने इसका दोगुना वेट इस बेचारे घोड़े पर डाल दिया है और अब मुझे इसे ऊपर चढ़ाना ही होगा ही वॉज रेजिंग द विप अगेन विन द लेडी सेड प्रे स्टॉप आई थिंक आई कैन हेल्प यू इफ यू विल मी अभी जब वो दोबारा उस पर चाबुक मारने ही वाला था तो लेडी कहती है कि रुक जाओ शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मुझे हेल्प करने दोगे तो द मैन लाफ्ट वो जो मैन था वो जो जैक्स तो था वो हंस पड़ा यू सी शी सेड यू डू नॉट गिव हिम अ फेयर चांस ही के नॉट यूज़ ऑल इज पावर विथ इज हियर हिट बैक लाइक विद चीक रेन इफ यू वुड टेक इट ऑफ आई एम श्योर ही वुड डू बेटर डू ट्राई इट शी सेड परसिवली उसने जोर देकर कहा कि देखो तुम उसे एक सही मौका भी नहीं दे रहे क्योंकि वो अपनी सारी ताकत भी नहीं लगा पा रहा है उसके क्योंकि उसका जो सिर है वो नीचे की तरफ झुका पड़ा है क्योंकि तुमने उसकी आंखों पर जो पट्टी जो, जो चेकरेन लगा रखा है उस कारण से इफ़ यू वो इट ऑफ अगर तुम इसे हटा सको तो मैं श्योर हूं कि वो और बेहतर कर पाएगा आई शुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू वुड और वो कहती है कि मैं काफ़ी ग्लैड होंगी अगर तुम उसकी ऐसी मदद करो तो वेल वेल सेट जैक्स विद लाफ एनीथिंग टू प्लीज अ लेडी ऑफ कोर्स अभी जैक्स कहता है कि हाँ हाँ किसी महिला को खुश करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ हाउ फार वुड यू विश इट डाउन मैम आप कितना इसे नीचे झुकाना चाहती हो मैम क्वाइट डाउन लीव इज हेड फ्री वो कहती है कि थोड़ा नीचे करो और उसके हेड को फ्री कर दो उसके हेड को फ्री करोगे तभी वो पूरी ताकत से खुद को खींच पाएगा अब जो चक्रण था वो हटा दिया गया एंड इन अ मोमेंट आई पुट डाउन माई हेड डाउन टू माई वेरी नीज अभी जब चक्रण हट गया तो मैं अगले ही पल अपने सिर को अपने घुटनों की ऊंचाई तक ला पा रहा था वॉट अ इट वॉस और कितना भला लग रहा था कितना अच्छा लग रहा था देन आई टॉस्ट अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स टू गेट द एकिंग स्टिफनेस आउट ऑफ माई नेक फिर मैंने अभी दिस आई रेफर्स टू तो द ब्लैक ब्यूटी फिर ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मैंने अपने गर्दन को ऊपर नीचे किया कई बार ताकि मेरे जो गर्दन में जो स्टिफनेस जो कड़वाहट और जो दर्द हो रहा था वो दूर हो सके पोअ फिलो दिट इज़ वॉट यू वॉन्टेड सेड शी बैटिंग एंड स्ट्रोकिंग मी विथ अ जेंटल हैंड अभी वो जो लेडी थी वो मुझे पैट मुझे थपथपा रही थी हल्का हल्का स्ट्रोक कर रही थी अपने जेंटल हैंड से और कहती है नाउ इफ यू विल स्पीक काइंडली टू हिम एंड लीड हिम ऑन आई बिलीव ही विल बी एबल टू डू बेटर और वो कहती है उस जैक्स को कि अगर अब तुम उसे काइंडली कहोगे आगे बढ़ने के लिए तो वो जरूर पिछली बार से बेहतर कर पाएगा जैक्स टुक द रेन कम ऑन प्लैकी आई पुट डाउन माई हेड एंड पुल्ड आई स्पेड नो स्ट्रेंथ द लोड मूव डॉन अभी जब जैकी ने कहा कि कमन ब्लैकी तो मैंने अपना सिर नीचे किया और पूरी ताकत से खुद को खींचा मैंने कोई भी स्ट्रेंथ छोड़ा नहीं मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लोड आगे बढ़ता रहा आई पुल इट स्वीडली और मैं धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ता रहा देन स्टॉप टू टेकअप रिथ और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रुका सांस लेने भड़के लिए द लेडी हैड वॉकड अलॉन्ग द फुटपाथ एंड नाउ शी केम अक्रॉस इंटू द रोड अभी लेडी भी फुटपाथ से चलते चलते आ चुकी थी और वह और वह सड़क पे थी शी स्ट्रोक एंड पैटेड माई नेक जेंटली और उन्होंने फिर उस महिला ने फिर से मेरे नेक को बड़े ही प्यार से थपथपाया स्ट्रोक और पैटेड यू सी ही वॉज क्वाइट विलिंग वेन यू गेव हिम द चानस वो कहती है कि तुम खुद देखो कि वो तैयार हो गया जब तुमने उसे एक मौका भर दिया आई एम श्योर ही इज़ अ फाइन टेम्पर्ड क्रिएचर एन आई डेयर से वॉज एन आई डेयर से हैज़ नोन बेटर डेज मैं तुम्हें बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये बहुत ही फाइन टेम्पर का एक बहुत ही अच्छे व्यवहार का क्रिएचर है और शायद आई डेयर से हैज़ नोन बेटर डेज और मुझे लगता है कि इसने इससे बेहतर दिन जरूर देखे होंगे मतलब जिस तरह की क्वालिटी इसके साथ आज हो रही है शायद ये उसका आदि नहीं है इसके उसी इसे उसकी आदत नहीं है यू वॉन्ट पुट दैट रेन ऑन अगेन विल यू फॉर यू वॉज जस्ट गोइंग टू हिच इट अप अगेन अभी जब जेक्स वापस उसके आंखों के पास हेड रेन चेक रेन लगाने वाला था तो वो कहती है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा ऐसा करोगे वेल मैम आई कैंट डिनाई दैट हैविंग हिज हेड फ्री हैज़ हेल्प देम अप द हिल एंड आई विल रिमेंबर इट अनदर टाइम एंड थैंक यू मैम बट इफ़ ही वेंट विदाउट अ चेक रेन आई शुड बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल द कार्टरस इट इज़ द फैशन यू सी तो ऐसा कहने पे उस कार्टर का रिप्लाई होता है कि देखिए मैम मैं चाहूँ तो इसके सिर से वो चक्र हटा दूं और ये बड़ी आसानी से चढ़ाई करने के लायक भी हो जाएगा लेकिन परेशानी तो ये है कि अगर मैं इसका चक्रन हटा दूं तो मैं सबसे अलग लगूंगा और सारे के सारे कार्टर्स जो है वो मुझ पर हंसेंगे क्योंकि घोड़ों की सजावट के लिए इस चक्रन का होना बहुत जरूरी है इज़ इट नॉट बेटर शी से गुड फैशन देन टू फॉलो अ बैड वन अभी उस महिला ने कहा कि क्या ये ज़रूरी नहीं कि क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि हम एक अच्छे फैशन को फॉलो करें किसी अच्छे फ़ैशन की शुरुआत करें बल्कि किसी बैड फैशन को फॉलो किए बिना मतलब उसका कहना था कि क्यों ना हम बुरी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को लीड करें मैनी जेंटलमैन डू नॉट यूज़ चेकरेंस नाउ वो कहती है कि अब कुछ भले लोग चकरेन्स का इस्तेमाल नहीं करते आवर कैरेज हॉर्सेज हैव नॉट वॉन्ट देम फॉर फिफ्टीन ईयर्स वो कहती है कि हमारा जो बग्घी का जो घोड़े हैं उन्होंने इसे पिछले पंद्रह सालों से नहीं पहना दे वर्क विथ मच लेस have हु वो कहती हैं कि इससे वो फैटिक मतलब होती है थकावट तो कहती है कि इससे वो कम थकावट से इस्तेमाल कर पाती हैं बशर्ते कि जो चेकरेन यूज करते हैं शी एडेड इन अ वेरी सीरियस वॉइस वी हैव नो राइट टू डिस्ट्रेस एनी ऑफ गॉड्स क्रिएचर विद आउट अ वेरी गुड रीज़न वो कहती है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम बना हम भगवान के बनाए गए क्रिएचर को बिना किसी बहुत जरूरी रीजन के परेशान करते रहे वी कॉल दम डम्प एनिमल्स एंड सो दे आर हम उन्हें डम्प एनिमल्स कहते हैं और वो हैं भी क्योंकि ये हमें बता नहीं पाते कि उन्हें कैसा फील हो रहा है बट दे डो नॉट सट दे डो नॉट सफर लेस बिकॉज दे हैव नो वर्ड्स लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ कम होती है वो बोल नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ कम होती है बट आई मस्ट नॉट डिटेन यू नाउ वो कहती है कि अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकूंगी मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी आई थैंक यू फॉर ट्राइंग माई प्लान विथ योर गुड हॉर्ट्स मैं तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरे प्लान को अपने घोड़े पे आजमाया एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट फार बेटर देन द विप और मुझे लगता है कि तुम्हें ये चाबुक से काफी बेहतर लगेगा गुड डे एंड द अनदर सॉफ्ट पैट ऑन माई नेक शी स्टेप लाइटली अक्रॉस द पाथ आई सॉ हर नो मोर अभी ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि उसने फिर से मेरे नेक पे हल्का हल्का थपथपाया सॉफ्टली पैटेड ऑन माई नेक और फिर वो धीरे धीरे लाइटली उस पाथ पे चलती रही और मैं उसे देख नहीं पा रहा था इट्स एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी नॉवल रिटन बाय एना स्वेल एना स्वेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था एक ऐसी फैमिली में जो कि लव और कंपैशन को दिखाने में ज्यादा यकीन रखती थी उन्होंने एक नॉवल ब्लैक ब्यूटी लिखा था टू इनकरेज पीपल टू ट्रीट हॉर्सेस काइंडली अभी कुछ वर्ड्स आए स्टोरी में जैसे फॉर्मेन फॉर्मेन का मतलब होता है सुपरवाइजर मतलब जो खेतों में सुपरवाइजरी करता हो देख रेख करता हो कार्टर जैसा मैंने बताया जो घोड़ों जो घोड़े खींचता हो या जो बग्गी खींचता हो चक रेन ये एक ऐसा चेक है एक ऐसी बाधा है जो कि घोड़ों को घोड़ों के सिर को सीधा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है इससे एनिमल सांस तक नहीं ले पाते लुकिंग फ्रॉम साइड टू तो साइड एंड पुलिंग लोड्स प्रॉपरली ऑर्नेस्ट मतलब सिंशियर और हार्टफेल्ड फैटिक मतलब थकावट और रिटेन मतलब डिले करना या होल्ड अप करना इट्स ऑल फॉर दिस लेसन आई होप यू लाइक द वीडियो टिल देन यू सी वी विल मीट अप विस्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक्स इंड गुड बाय